बिल्कुल। अरे वाह गजब, चलो चलो। किसान भाइयों आप देख सकते हैं जबकि मशीन जो ऑपरेट हो रही है काफी जबरदस्त तरीके से हो रही है, और ये है एग्रीकल्चर मशीन है किसान भाई। और हमने जो है देख सकते हैं ट्रैक्टर के साथ अभी हम देखते हैं राहुल भाई। देखा आपने? जी बिल्कुल, ताकत देखी बिल्कुल मशीन की। मैंने खुद चलाया। आपने खुद चलाया? बिल्कुल, हमने किसी को चलाने नहीं दिया। साइड में ट्रैक्टर चल रहा था जी, आप साथ के साथ चल रहे थे जी बिल्कुल, और आपने भी वो ही जी काम किया जो ट्रैक्टर ने किया। बिल्कुल, रोटावेटर करी आपने, खेत की जुताई करी बिल्कुल, वो ही मिट्टी वो ही सब कुछ जी बिल्कुल। अब हम देखते हैं गहराई दोनों में किसकी कितनी है, बिल्कुल ठीक है ना जी बिल्कुल। तो अब मैं देखते हैं बिल्कुल, चलो यहाँ लास्ट है इसका। ये मेरे हिसाब से लगभग आप मान चलो 8 से 9 इंच। 8 से 9 इंच हाँ, लगभग 8 से 9 इंच आप नाप लो। मैं इससे नाप लेता हूँ फीते से। ये अपना आ रहा है यहाँ से लीजिए। हाँ 8 इंच आप मान के चलिए, बिल्कुल 8 इंच हो गया जी। और ये इतनी गहराई हो गई इसमें, एक बिलान मान लो, ये मान लो, एक बीता मान लो। और यहाँ पे रोटावेटर से करी हुई जुताई है जी बिल्कुल। कहीं पे थोड़ा सा खोद लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या है जी। इतना ही है जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो दोनों चीज में डिफरेंस ही क्या रह गया अगर देखा जाए शिवम भाई तो? डिफरेंस तो कुछ रहा ही नहीं ना जी। जी हमने वो ही काम इस मशीन से किया जो ट्रैक्टर करता है जी। हमने रोटावेटर का काम ट्रैक्टर से किया जी ठीक है जी। और हमने पावर वीडर का काम भी रोटावेटर लगा के जुताई से किया बिल्कुल। तो ये इनमें अब अंतर ही क्या रह गया बिल्कुल। अब हम जो चीज बोलते हैं अपने किसान भाइयों को कि जो छोटे किसान भाई हैं जो इसे गन्ने के खेत में इस्तेमाल कीजिए, इसे गेहूं की खेती में करिए, धान की खेती में करिए, रिजल्ट वही आना आपका बिल्कुल वही आना है, वही ताकत है जी। और यहाँ तक कि इसमें खुले ब्लेड हैं। जब आप रोटावेटर में देखते हैं उसमें मडगाड़ लग जाता है, वो इतना नीचे नहीं जा पाता। ये पूरे ब्लेड हैं जी, ये पूरा नीचे तक जाते हैं जी। तो इनकी और भी आप जुताई कर सकते हो, 2-3 राउंड में आप इन्हें 1 फीट ले जा सकते हो, और दूसरे राउंड में तो आप इसे 8 से 10 इंच तक भी नीचे गुड़ाई कर सकते हैं जी। शिवम भाई ये मशीन जो है वो कितने एचपी की है? ये भाई आप विश्वास नहीं करोगे राहुल जी, मात्र 11 HP की मशीन है। अच्छा, ये 11 HP की मशीन है? 11 HP की मशीन है। पक्का? पक्का। लेकिन परफॉर्मेंस तो कुछ अलग ही दिख रही है इसकी। बस ताकत है जी इसमें। हमने जो इसमें इंजन जो इसकी क्वालिटी रखी है जी, और आज हमने इसे ट्रैक्टर के साथ भी कंपटीशन में लगाया जी। तो यही कह के लगाया कि इस मशीन की जो आप ताकत देख सकते हैं जी। शिवम भाई सुनो, अभी चल रहा है कीचड़ का टाइम। चलो ट्रैक्टर तो हमारा नहीं, ट्रैक्टर तो हमारा कीचड़ में भी चल जाता है। चलो यहाँ की छोड़ दो सूखे में, कीचड़ में दिखाओ इसको चला के। ट्रैक्टर के साथ ही चलते हैं जी। पक्का? चलो फिर चलते हैं वहाँ पे। और इसमें मैं सीट भी लगवाऊंगा, सीट भी लगी होनी चाहिए। और यही रोटावेटर आपको चला के दिखाना है। हाँ जी, पडलर नहीं, रोटावेटर। क्योंकि रोटावेटर आमतौर पे मैंने वीडर देखे हैं जिसमें रोटावेटर नहीं चलता है। रोटावेटर लगाऊंगा जी, सीट लगाऊंगा। हाँ। सीट के साथ ट्रैक्टर के साथ मशीन चलाएंगे। पक्का? फिर देखते हैं जी इसकी। चले फिर, इसकी बगल पानी भरा हुआ है, फिर देखते हैं इसकी कद्दू करने की और कीचड़ करने की क्षमता क्या है। चलिए फिर चलते हैं फिर। चलिए पक्का? पक्का। चलो फिर। आज 11 HP का एग्रीकट का पावर वीडर बिल्कुल, 57 HP का ट्रैक्टर जी, रोटावेटर पेडीव्हील बिल्कुल, और हमारा रोटावेटर। हाँ चलो फिर देखते हैं पावर जी बिल्कुल। चलो चलो बिल्कुल। अरे वाह गजब, अरे वाह क्या परफॉर्मेंस है, वाह। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी बिल्कुल सही चल रही है अभी। और आप अब एग्रीकट का 11 HP का देखो कैसे दर्राटे काट रही है, मतलब मजा ही आ गया बिल्कुल। कैसे कीचड़ कर रही है जी, ट्रैक्टर और आज अपने रोटावेटर चला दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैंने चैलेंज पूरा कर दिया। बिल्कुल, मतलब दोनों कीचड़ में चल जाएंगे, दोनों कीचड़ में चल जाएंगे जी। मतलब अपनी अपनी जगह पे दोनों काफी जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, मजे काट दिए एकदम। बिल्कुल, अरे वाह क्या गजब, ओहो क्या बात है, वाह क्या परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसके फीचर और अभी हम जानेंगे, लेकिन हमारे चौहान साहब अभी एकदम पूरा इसको मतलब तैयार करके ही छोड़ेंगे खेत को आज। बिल्कुल एकदम मजा आ गया है। रोकिए चौहान साहब, अरे रोक दो भैया। बिल्कुल वहाँ पे चलते हैं, फिर इसके फीचर्स की बात करते हैं। बिल्कुल शिवम भाई, अरे वाह गजब, ओहो क्या बात है एकदम, वाह गजब, ओहो। अरे रोक लो भाई, रोक लो यहीं पे। शिवम भाई, हाँ जी सर, मजा आ गया। दिल खुश हो गया, एकदम कमाल कर दिया। आपका मैंने, आपका मन था मशीन के साथ चैलेंज करने का ट्रैक्टर को जी। आज आप कद्दू करके दिखाइए ट्रैक्टर जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। बिल्कुल, हमने खेत में, कई खेत में हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। और चैलेंजेस बच्चे क्या हैं जी? नहीं नहीं बिल्कुल, कुछ नहीं बच्चे हैं। काफी अच्छा रहा, काफी मतलब परफॉर्मेंस से काम किया इसने। जहां जैसे बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा सकता, इसको उठा के भी रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी आप इंजन के फीचर के बारे में थोड़ा सा बता दो। और इटालियन का इसमें हमने इंजन ले रखा है जी। मतलब प्रॉपर ये काम करने के लिए ही मशीन बनाई है। कद्दू कीजिए, कटाई कीजिए, निराई कीजिए, इसके साथ आप जुताई कीजिए, बिजाई तक कीजिए, सारे काम इस मशीन के साथ आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइट का प्रोविजन दे रखा है, सेल्फ स्टार्ट का प्रोविजन दे रखा है, प्रेशर गियर दे रखा है, तो इस इन सब चीजों पे भी ध्यान दे रखा है। तकनीकी चीजें भी लगा रखी है, जैसे प्रेशर गियर हो गया आपका। कितनी भी हार्ड मिट्टी हो, कितना भी दलदला मिट्टी हो जी, मशीन पे लोड नहीं पड़ना, इंजन पे लोड नहीं पड़ना, आपका गियर बक्से पे लोड नहीं पड़ना। बिल्कुल 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 शिवम भाई, काफी अच्छी जानकारी आपने दी। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने सूखे में जुताई करी, वहाँ पे लोड कम था, यहाँ लोड ज्यादा है पानी में, तो फ्यूल की खपत तो बढ़ जाएगी। फ्यूल की खपत उतनी रहेगी जी, लोड से कुछ नहीं होता है। इसका जो गियर बक्सा हमने डिजाइन किया है, इसका प्रेशर गियर जो हमने दिया है, उससे इसकी फ्यूल की खपत उतनी रहनी है जितना आपके सूखे में आप जब जुताई कर रहे हैं या फिर गीले में कद्दू कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने जो इसके साइड में दो चीजें लगाई हैं, ये क्या लगा दिया? ये हमारा पडलिंग व्हील है जी। अच्छा, अब हम आप रोटावेटर के साथ भी, जैसे अब आप देख सकते हैं ये खेत है, इसमें अभी झुंडिया खड़ी हैं, अभी इसमें गेहूं कटी है, और यहाँ पे हमें खरपतवार भी हटानी है, कीचड़ में मिक्स भी करनी है, सारे काम करने हैं। अब वो काम रोटावेटर भी करेगा। पर पहले किसान भाई कहते थे कि जी रोटावेटर धस जाता है। बिल्कुल धसता है, चलाता नहीं है। अब आपने देख लिया, मैंने सीट भी लगा ली, मैं खुद बैठ के भी चलाया है, हमने ट्रैक्टर के साथ भी इसका डेमो किया है, और हमने ये पेडलिंग व्हील जहाँ से लगाए हैं, और आप देख लीजिए खरपतवार का पूरा नाश करता है हमारा। बिल्कुल 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 शिवम भाई, काफी अच्छी आपने जानकारी दे दी है, और काफी अच्छा इस मशीन का फीचर है। लेकिन आप हमें ये बताओ थोड़ा सा, वारंटी गारंटी क्या दे रहे हो इसमें? 1 साल की फुल वारंटी रहेगी जी। इंजन में कोई भी पार्ट, कोई भी कुछ रिप्लेस करना होगा, वो रिप्लेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों को वारंटी के बाद भी कंपनी खड़ी है, मैं खड़ा हूँ आपके लिए। आप कुछ भी बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है बेझिझक हम पे फोन कीजिए, कुछ भी आपको जानना हो मशीन के बारे में, हम हमेशा आप सबके लिए खड़े हैं जी। अच्छा, अगर अटैचमेंट की बात करें, हाँ जी, तो इस मशीन के साथ में क्या क्या अटैचमेंट मिल जाएंगे, प्राइस क्या रहने वाली है? इस मशीन को मैं जी मात्र 75,000 रूपए, मात्र 75,000 में, मात्र 75,000। साथ में क्या मिलेगा? 40 ब्लेड का रोटावेटर जी। बिल्कुल, और 2 अटैचमेंट, 2 अटैचमेंट। और जो किसान मेरे कद्दू करना चाहते हैं, पडलर इसके साथ लेना चाहते हैं, उन्हें मैं पडलर फ्री दूंगा जी। मतलब चाहे 2 अटैचमेंट ले लें, चाहे पडलर ले लें, चाहे पडलर ले लें। हाँ, मतलब दोनों में 2 ऑप्शन हैं। एक तो या तो आप 2 अटैचमेंट को ही ले लो, या तो आप जो है पडलर ले लो। हाँ जी। तो काफी अच्छे फीचर के साथ में आपने ये मशीन जो लॉन्च करी, काफी मजा आया, दिल खुश हो गया। आपने मेरी मतलब हर डिमांड को पूरा किया, किचन में भी चला के दिखाया, मैंने मशीन को खुद भी ऑपरेट किया। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इस मशीन की। तो शिवम भाई, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आज की जो वीडियो थी वो थी एग्रीकट की। अभी जो सीजन आने वाला है, धान लगाने का सीजन आने वाला है, उसके लिए आपको बड़ी मशीन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस छोटे से ट्रैक्टर से, छोटे से पावर टिलर से आप कीचड़ बना सकते हो, गन्ना की गुड़ाई कर सकते हो, इंटर कल्टिवेशन कर सकते हो। आप इस पे ट्रॉली लगा के 10 कुंटल 12 कुंटल का वेट लाद के कहीं जा सकते हो। सीट लगा के जैसे कीचड़ में आप कीचड़ तैयार कर सकते हो। किसान भाइयों, तो आपको कुछ नहीं करना। किसान भाइयों, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके घर बैठे बुकिंग करवा के इस मशीन को आसानी से मंगवाना है। किसान भाइयों, जो किसान भाई घर बैठे बुकिंग करवा के नहीं मंगवाना चाहते हैं, वो एग्रीकट में आके ऐसा डेमो करके मशीन देख के चला के पसंद करके इस मशीन को बुक करवा सकते हैं। किसान भाइयों, मात्र 5,000 रुपए आपको बुकिंग अमाउंट देना है। डिलीवरी पूरे भारतवर्ष में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। डिलीवरी आपको मात्र 7 से 8 से 9 दिन के अंदर में आपके घर पर फ्री होम डिलीवरी किसान भाई होने वाली है। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन और अच्छी लगी होगी। फिर से मिलूंगा एग्रीकट की इसी तरह की बेहतरीन और जबरदस्त मशीन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।